ईमान भी रेडी हो गई है सीधे आगे सीधे क्या खा <गौरा> रहा है इब्राहिम <laughs> अपने सारे बदाम डालिए <laughs> <laughs> अस्सलाम वालेकुम माय यूटी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में अहमद हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी और अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसी तरह ठीक ठाक रखें सबके घरों में हैर और बरकत अता करें सबकी परेशानियों टेंशनों और मुश्किल को आसान करें आमीन सुमाम अच्छा जी जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं शादी की आपसे क्लिप्स जो है ना मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वी तो बारात का ये दिन है जनाब और यहाँ पर भी हम लोग सुबह का टाइम है रेडी हो गए थे क्योंकि बारात जो थी ना वो काफ़ी दूर से आनी थी यानी कि रावल पिंडी इस वाली साइड से ना आनी थी तो काफ़ी दूर थी तो इस वजह से ना फिर दिन का टाइम रखा था रात का टाइम नहीं रखा था तो यहाँ पे भी हम लोग सुबह सुबह ही तक उठ के ना तैयार होना स्टार्ट हो गए थे दस बजे हम लोग स्टार्ट हो गए थे तैयार होना और बारह साढ़े बारह एक बजे तक ना हम लोग रेडी हो गए हुए थे तो यहाँ पे जनाब बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था उसके बाद ये मेरी थोड़ी सी तैयारी जो मैंने सोचा जी आपसे थोड़ी चीज शेयर कर ही लेती हूँ मैं तो यहाँ पर जी बस आपसे शेयर करी थी मैं और मैंने पहना हुआ था मेरोन कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और ऊपर गोल्डन कलर का ना सारा एम्ब्रॉयड्र भी था और तिले शिर का सारा काम शम हुआ था साथ ही मैंने इसके दुपट्टा लिया हुआ था जो कि आजकल चला हुआ है आपको पता है कि नेट के ऑल ओवर जो बने हुए होते हैं ना Uh, सारा जाल वगैरह बना होता है उस तरह का एम्ब्रॉड जो दुपट्टा था ना वो और साथ ही फिर मैंने uh, अच्छा अपना मेरा हेयर स्टाइल जो है ना uh, मैंने कर्ट्स वगैरह डाले थे मैंने आज स्टेट नहीं किए थे बाल तो वो मैंने सिस्टर से करवाए थे सिस्टर माशाल्लाह से इस चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और मुझे स्टेट करने अब आके थोड़े बहुत आए हैं लेकिन कर्श मैं अभी भी नहीं डाल सकती हूँ तो ये स्टैंडर्ड के साथ ही ना उसने कल वगैरह डाले थे मेरे बालों पर भी और रेडी मैं होती हुई थी मेकअप मैं खुद किया था और अलहमद मेकअप जो है वो मुझे आता है करना और सब लोग पसंद भी करते हैं मेरा मेकअप वैसे अच्छा यहाँ पे जब नीचे में फिर आए ना हम लोग रेडी हो गए क्योंकि हमें अच्छा ये बताने मैं आपको गई थी सिस्टर की तरफ हम लोग वहाँ से चले गए थे उनके घर उस पुप्पा के घर से पास ही था तो सिस्टर भी जो है ना वो अपनी यानी कि मेरी पप्पा के घर ही गई हुई है पुप्पो के बेटे से उसकी भी शादी हुई है तो छोटी पुप्पा की तरफ ही हम लोग चले गए थे तो वहाँ पर फिर हम लोग रेडी हुए फिर नीचे बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ियों का जैसे गाड़ी है तो हम लोग आगे जी हॉल में और ये हॉल के जो है ना व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा हॉल था बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था और कलरिंग कम्बिनेशन भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी मतलब सारी सेटिंग रहती थी ना जैसे इंटीरियर वो होते हैं ना कि जिस तरह के वो बादशाहों के दौर का जो होता है ना उस तरह की सारी ना पूरा एक थीम उन्होंने रखा हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो और मैंने ना ये इस तरह का फर्स्ट टाइम वैसे भी देखा था तो माशाल्लाह से हॉल भी डेकोरेशन वगैरह और तमाम सेटिंग वगैरह खाना शाना भी बहुत अच्छा था यहाँ इतना जनाब हमारे जो दोनों हैं ना नौजवान हमारे ये थक खा के यहाँ बैठे हुए थे इब्राहिम तो स मूड इसका ऑफ था कि गिर के आया था बाहर से गुस्सा आके भी मेरे पे निका आ रहा था तो मैंने दोनों को ना यहाँ पे बैठा दिया था कि आप लोग बाहर नहीं जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी खतरनाक किस्म की ठंड जो थी ना उस दिन थी हवा भी बहुत तेज़ थी और बादल शादर भी हुए हुए थे अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये जनाब हम लोग क्योंकि हमें पता चला था कि जो दूल्हा साहब है ना वो बस आने वाले हैं नमोदार होने वाले हैं तो सब लोग जो है ना वो फूल वगैरह पत्तियाँ आपको पता है प्लेट्स वगैरह में डाल के तो वो सब लोग ले के खड़े हुए थे सब कज़न वगैरह मैं भी माँ पी लेकिन फिर पता चला थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो फिर मैंने चला सोचा मैंने आपसे थोड़े से और मैं अपने जो होल था ना उसके क्लिप्स वगैरह आपसे शेयर कर देती हूँ और मैंने ना वैसे हंसपे मामूल नहीं प्लेट वगैरह इधर पकड़ी मैंने इमान को पकड़ा दी थी मैंने कहा चले आप क्या करना है हम लोगों ने पकड़ी जब बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों को शादी सब कुछ करना पड़ता रहा तो ईमान को मैंने दे दी थी और मैं जो थी ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था वैसे भी तो फिर मैंने सोचा चले ईमान ये काम करती है और मैं ये वाला काम करती हूँ और बहुत मज़ा आया था शादी में जैसे कि मैंने आपसे ना शेयर भी किए थे कि मेरी शादी के और तबीयत मेरी खराब हो गई थी तो उसकी जो है ना बात मैं है आपसे बात नहीं करती हूँ अभी खुशी का मौका ज़रा उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ना फिर अभी क्योंकि टाइम था दूल्हे के आने में तो फिर मैंने सोचा चले मैं जल्दी से ना ब्राइडर को मिल के आती हूँ कज़न को मिल के आती हूँ तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी माशा लग रही थी बहुत अच्छी मेकअप भी बहुत अच्छा था ज्वेलरी ड्रेसिंग बहुत अच्छा था मैक्सी पहनी हुई थी रेड कलर में और उसके ऊपर ये आप काम देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा हुआ था सिल्वर कलर में सिल्वर और थोड़ा सा ना गोल्डन टच भी था इसके अंदर कॉपर जो होते हैं ये इसको दबकी वगैरह कहते हैं उसको फोन वगैरह भी बहुत अच्छी माशाला से वैक्सी बनी हुई थी और ज्वेलरी भी सब कुछ बहुत अच्छा पहना हुआ था अल्लाह ताला जिस ये चीज़ें इन्होंने अच्छी पहनी हुई थी जितना खूबसूरत वो लग रही थी अल्ल्ला इनका नसीब भी खूबसूरत करे और तमाम सारी जो हम लोगों की आ, है ना जितनी भी देखने वाली मेरी बहनें हैं बेटियां हैं उन सब के नसीब अच्छे करें सब के लिए खुशियाँ लाएँ और माशाल्लाह से हर मेरे यहाँ से हर बेटी ही बहुत खूबसूरत होती है तो हर बेटी की यही दुआ करनी चाहिए कि उसका जो नसीब है ना इसकी किस्मत भी ख़ूबसूरत हो अच्छा जी यहाँ पे भी दूल्हा साहब जो है वो अल्लाह करके आ ही गए थे क्योंकि आपको मैंने बताया कि दूर से आनी थी ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है कि कभी मतलब तो जब साहब कुछ साथ लेके आना तो कभी बराती जल्दी पहुँच जाते हैं कभी दूल्हे की गाड़ी पीछे रह जाती है तो यही बस चल रहा था तो यहाँ पे जनाव हमारे अच्छा जिनसे शादी हो रही थी ना वो भी मेरे गज़ल ही थे वो दूसरे बड़ी पप्पो के बेटे थे तो आपस में मतलब शादी वगैरह हमारी हुई थी तो ना अब यहाँ पे फिर खाना खुल गया था तो खाना जब खुलता है आपको पता क्या होता है लेकिन है यहाँ पर ना इस तरह का सीन नहीं था माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी मतलब जहाँ पे गेस्ट बैठे हुए थे ना टेबल्स वगैरह पे जहाँ पे थे वहाँ पे ही वेटर खाना वगैरह रख के चले गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने सुकून से बैठ के खाया मतलब आम शादियों पर होता है ना कि उन्होंने टेबल्स वगैरह लगाए होते हैं और उठ के हमें खुद ही प्लेटें भी ढूँढनी पड़ती है खाना शाना भी डालना पड़ता है तो इस तरह की शादी जैसे मेरे यहाँ से बेस्ट रहती है और हमारी फैमिली में होती हैं इस तरह की भी लेकिन ज़्यादातर जो अगर आपको बताऊँ ना मैं तो इस तरह ही होता है मतलब कि खुद ही जाना पड़ता है खाना शाना ढूंढना पड़ता है और जितनी देर बंदा पहुँचता है ना टेबल तक वहाँ तक तो आधा से कि जरा आधे से भी ज़्यादा खाना जो है ना वो तो खम हो चुका होता है तो फिर मतलब कि आपको पता है कि जो कुछ होता है गम्मा गम्मी हर तरफ और बस ये कि वो डालें ये डालें लेकिन ये भोजन जो था ना शादी पर बहुत मज़ा आया खाना खाने का भी बहुत मज़ा आया वैसे भी बहुत मज़ा आया बहुत इंजॉय किया और खाना भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना हुआ था यहाँ पे चिकन कौरमा था और साथ ही पुलाव था उसके अंदर भी चिकन वगैरह था चिकन का ही पुलाओ था और रोगनी नान वगैरह थे फिर सैलड था क्रीमी सैलड बहुत ही मज़े का था सैलड जो था ना ये वाला इस तरह का मैंने फर्स्ट टाइम खाया था बहुत ही मज़े का था मतलब इससे पहले खाए हैं वो जो मिक्स होते हैं जैसे लोबिया का भी हो गया साथ आलू चने होते हैं या मेकर सैलड हो गया मतलब मिक्स जो होते हैं लेकिन इन्होंने एक ही बनाया हुआ था और एक के अंदर ही तमाम सारे इंग्रीडियंट्स थे और जो इसकी क्रीम थी ना वो मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी उसका फ्लेवर मज़े का था अच्छा जी यहाँ पे भी फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेबल पे बैठ के सब खाना खा रहे थे अपने अपने टेबल्स पे तो यहाँ पे फिर हस्बैंड भी पास ही आ गए और बच्चे जो थे वो नानों के साथ लगे हुए थे खाना शाना खाने और आ, मैं और फिर हस्बैंड के साथ ही यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और माशाल्लाह से अच्छा मेरा ना इस दिन से मेरी तबीयत ना थोड़ी सी गड़बड़ थी मेरा खाना खाने को इतना दिल नहीं कर रहा था और अब आपको मैं जो दिखा रही हूँ ना क्लिप्स वैसे क्लिप्स में मैं जो दिखा रही हूँ ना यही मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया है हाथ उस मीठा और जो सैलड था और गाछे का हलवा भी जैसे कि आपको लुक में लग रहा है ना कि बहुत ही यमी यमी है बिल्कुल खाने में भी इसी तरह का था बहुत ही मज़े का आया था और मेरे साथ तो ये सीन होता है ना कि मुझे ना जब शादी होती है ना तब तो मेरा खाना खाने को बिल्कुल दिन नहीं करता और जैसे शादी ख़त्म होती है ना तो उसके बाद फिर घर बैठे हुए ना जो होते हैं ना वो कहते हैं बिल्ली को चिचरा के हम <laughs> तो घर बैठे हुए तब याद आ रहा होता है चाहे ये बना था ये बना था वो तो बड़ा मज़े की चीज़ थी यार खा लेती मैं तो पता नहीं क्या ये सीन है यार शायद इतना खाना देख के ना इंसान का पेट कहते हैं ना आँखें बढ़ जाती हैं पेट नहीं बढ़ता तो मेरा तो आंखें बढ़ जाती है पेट भी भर जाता है देख के दोनों चीजें मेरी साथ ही चलती हैं अच्छा जी यहाँ पर सैलड की बात करती है ऐसा सैलड मुझे बहुत मजे का लगा था ये ज़रा मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा मतलब सही खाया था सही मतलब ये आपके सामने मैंने प्लेट डाली है ना तो ये मैंने और हस्बैंड ने खाई थी और मैंने तकबन तो आधे से ज़्यादा प्लेट तो छोड़ दी थी हस्बैंड ने खाई थी क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और मेरा ना दो दिन पहले ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ना इस तरह होने स्टार्ट हो गई थी मतलब भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और उसके बाद फिर मेरा जो जमच है ना वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई और फिर जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था पोस्ट की थी मैंने अपनी पिक्स वगैरह के फिर ड्रिप शिप वगैरह और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े अच्छा सैलड की तरफ आते हैं तो ये वाला जो क्रीमी सैलड था ना फ्रूट क्रीम आप चाट इसको कह सकते हैं या क्रीम चाट कह सकते हैं बहुत ही मजे की थी और इसके अंदर चॉकलेट चिप इन्होंने डाले हुए थे और कौन सा फ्रूट था जो इसमें नहीं था यहाँ तक कि इन्होंने ना इसके अंदर वो भी डाला हुआ था क्या इसको कहते हैं पपीता वो मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे भी खाया था मतलब हमारे घर में आता था लेकिन मैंने कभी खाया नहीं था उसको तो मैंने फर्स्ट टाइम वो भी खाया लेकिन सैलेड सैलड में बहुत मज़े का लग रहा था और सारे इसके अंदर फ्रूट्स थे और बहुत ही मज़े का था तो उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा सा हलवा चखा था क्योंकि हलवा आप देखें कितना मज़े का ला रहा है अब मैं आपसे बात कर रही हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ तो मेरा इतना दिल कर रहा है ना खाने को लेकिन जब शादी थी ना तब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और शादी से पहले ही बच्चे भी बीमार मैं भी बीमार है जी ये सीन तो चलता ही रहता है और मैं जब मेरी तबीयत जब बाद में ख़राब हुई ना तो मुझे सब यही कह रहे थे कि तुम्हें तो नज़र लग गई है शादी पर तो मैंने कहा अच्छा भाई जिसके लगनी चाहिए उसकी तो लगी नहीं है पता नहीं अब किसकी लग गई है लेकिन अलहमद मेरी तबीयत ठीक है और अब मैं कोशिश करूँगी डेली रूटीन से ना आपके साथ अपनी व्लॉगिंग वगैरह शेयर करूँ मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूं लेकिन फिर कुछ ना कुछ ना जो है ना वो प्रॉब्लम चल जाती है कभी लाइट नहीं होती कभी टाइम नहीं मिलता तो बस इस तरह ही चलता है अच्छा जी इसके बाद खाना छाना हम लोगों ने खाया फिर दोन की एंट्री हुई और दो्हन के साथ उनकी मामा उनके सिस्टर्स और भाई थे भाई माशाल्लाह से एक ही है इनके टू सिस्टर्स हैं इसके अलावा उनकी और फिर सब लोग आए थे और बहुत अच्छी इन्होंने ये सारी ना ये आपको साइड्स पे नज़र आ रहे होंगे जी क्या इसको कहते हैं आज फिशा वगैरह कुछ होता है तो अनार भी कुछ लोग कहते हैं <laughs> वो अच्छे लाए थे इन्होंने तो बहुत एंट्री बहुत अच्छी थी बहुत मज़े की थी और माशा से दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी इसके बाद जनाब फिर पे ट्रेंड कह सकते हैं आप लोग तो यहाँ पे फिर जो यानी कि इनके दूल्हा थे अच्छा इनके निकाह ना ऑलरेडी हो चुका हुआ था निकाह माशाल्लाह से इनके कुछ मार रहे हैं आई थिंक छः से आठ माह शायद इनका रहा है निकाह तो मतलब साल नहीं भी हुआ था वैसे तो इस वजह से ना फिर ज्यादा नहीं मतलब कि फैंसी जो शूट वगैरह है करने में इनको ज्यादा डिफिकट्स नहीं हुई यहाँ पे तो यहाँ पे जी भी सब इन्होंने हाथ पकड़ के जो है वो अपनी बेगम साहबा का इस्तेमाल किया और स्टेज पे गए और यहाँ पे ना घूंघट इन्होंने रखा हुआ था धूल्ह ने तो वो भी फिर बाद में ना दूल्हे ने उठाया था घूंघट अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी ये अभी नहीं उठाना चाहिए बाद में उठाना चाहिए तो वो भी तो ब्राइड्स होती है ना जो कि ये लगाती नहीं है और बिल्कुल डायरेक्ट ही वो आती हैं तो उनका भी तो यही सीन होता है ना तो मेरे यहाँ से हर किसी की ना अपनी अपनी राय होती है अपनी अपनी पसंद होती है हमें इतना जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए और हर किसी को ना इतना दम फ़ोर्स भी नहीं करना चाहिए कि बस हमें जो पसंद है वही करें आप तो जो जितना हुश रहता है ना उसको आई थिंक रहने देना चाहिए और दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए तो ये था जी आज का छोटा सा भी लोग गा आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लग में अल्लाह हाफी